नमस्कार दोस्तों, जीएचयू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले 2.5D डिज़ाइन की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है आटके में, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। मैं आपको कुछ पिक्चर दिखा देता हूँ। इस टाइप की जो डिज़ाइन है, इसका लाइन वेक्टर तो 2D होता है, लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग बनने के बाद ये 3D लुक दिखता है। तो इसकी प्रोग्रामिंग असल में की कैसी जाती है सीएनसी के ऊपर, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। मैंने कुछ इंटरनेट से फोटो निकाले हुए हैं। ये इसकी टूल होती है, ये टूल से इसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। ये टूल को ओबी टूल बोलता है, कोई इनसाइड राउंड टूल बोलता है और कोई ओवरऑल राउंड टूल बोलता है। तो अलग अलग जो बंदा जिसको नाम पसंद है वैसे बोलते हैं, लेकिन मार्केट में अगर ओल टूल या ओबी टूल्स बोले कि इस टाइप का टूल से इसको संबोधा जाता है, बोला जाता है। इस जैसे ये डिज़ाइन जो है, ये 2.5D डिज़ाइन बोली जाती है इसको, और इसकी प्रोग्रामिंग आटके में कैसे करना है उसकी पूरी आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। इस टाइप के डोर हो गया, ये काम तो बड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन इसकी पहले 2D लाइन वर्क करना पड़ता है परफेक्टली, उसके बाद में प्रोग्रामिंग की जाती है। लेकिन हम लोग आज प्रोग्रामिंग के बारे में देखने वाले, अरे जब भी हमको टाइम मिलेगा तो उसकी 2D लाइन कैसे की जाती है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और हमारा जो आर्टकैम 2018 उसको ओपन कर लेते हैं। हमारे पास आर्टकैम 2018 है ऑटोडेस्क का। ऑटोडेस्क का आर्टकैम 2018 इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्योंकि क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है, लास्ट वाला। लास्ट जब भी इसके बाद में कोई अपडेट आया नहीं, आर्टकैम में उसको बंद कर दिया। तो ये बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है सीएनसी प्रोग्रामिंग के लिए, तो हम यही यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले इसमें चले जाएंगे न्यू मॉडल में। न्यू मॉडल में जाने के बाद नॉर्मल डोर की साइज़ ले लेंगे हम लोग, जो आपके उधर चलती है वो ले लो। अभी मैं जो नॉर्मल लेने वाला हूँ, नॉर्मल साइज़ लेने वाला हूँ, तो मैं वाई में क्या करूँगा, 82 इंचेस करूँगा और विड्थ में करूँगा 32 इंचेस। 32 से ज़्यादा भी ले सकता हूँ मैं, 35 इंचेस कर सकता हूँ। ठीक है, नॉर्मल लेना है, साइज़ जो आपको चाहिए वो ले लो डोर की साइज़। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको साइज़ बता रहा हूँ। ठीक है, ये साइज़ ले लिया और इसको हम लोग ओके करते हैं। इस टाइप में हमारा मॉडल ओपन हो जाएगा। मॉडल जैसे ही ओपन हो जाएगा तो ये 2.5D जो डिज़ाइन होती है ये वाली, ये डिज़ाइन के लिए 2D वेक्टर का बहुत ज़रूरत होता है हमें। 2D वेक्टर के बिना तो काम नहीं होगा, तो 2D वेक्टर की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोग 2D वेक्टर इनपुट कर लेंगे। हमारे पास कुछ रेडी वेक्टर्स है, उसको मैं इनपुट कर लेता हूँ। यहाँ पे वेक्टर पे चला जाता हूँ। वेक्टर पे जाने के बाद इनपुट वेक्टर, फिर मैं जो फोल्डर में रखा हुआ हो तो वो फोल्डर से उसको डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक डोर नाम का फोल्डर है और उसमें कुछ डिज़ाइंस है, तो मैं उसको इनपुट कर लेता हूँ। ऑल फाइल करता हूँ मैं। ये EPS फाइल फॉर्मेट है, EPS भी आर्टकैम में सपोर्ट करता है, तो EPS फाइल फॉर्मेट हम लोग इसको ले सकते हैं। इसके साथ इनकी फ़ोटो भी है। अगर हम मैं इसको थोड़ा सा लार्ज भी करता हूँ तो इस तरह का इसका फ़ोटो भी है इनके साथ। तो इसमें से हम कोई भी डिज़ाइन लेके उसकी 2.5D डिज़ाइनिंग और सॉरी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। बहुत लोग तो कटिंग तो करते हैं 2.5D डिज़ाइन टूल से, लेकिन फिनिशिंग नहीं आता, क्लीनिंग नहीं आता। तो उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि डिज़ाइन को फिनिश कैसे किया जाए, फिनिशिंग कैसे लाई जाए, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। ऐसे ही हमने डिज़ाइन को सिलेक्ट करके इनको ओपन कर लिया। ये यहाँ पे इसका वेक्टर बना हुआ है, इनको मैं कंट्रोल यू करके अनग्रुप कर लेता हूँ सबको। ठीक है, अनग्रुप करने के बाद ये साइड वाला डिलीट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है उसको। और इसको F9 करके मैं सेंटर में ले लेता हूँ, F9। ठीक है, अभी इसकी थोड़ी सी साइज़ अलग है, तो साइज़ हमने जो ली थी उसके हिसाब से हम लोग सेट कर देते हैं। इसकी साइज़ हमने ली थी आई थिंक 34x82, नहीं 35x82 थी, मे बी 35x82। ओके, 82 इस तरह का हमने साइज इसका इनपुट कर लिया। अगर अब डिज़ाइन को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ वेक्टर क्लोज है, कुछ वेक्टर ओपन है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ क्लोज है, ठीक है, ये भी क्लोज है, ये भी बाहर के जो देखते हैं, ये सब वेक्टर यहाँ पे जो दिख रहे, जितने भी वेक्टर दिख रहे उतने भी वेक्टर यहाँ पे सब वेक्टर क्लोज हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर क्लोज क्यों है उसके बारे में मैं जानकारी लूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम है हमें। ये जो वेक्टर है ये सिंगल सिंगल वेक्टर है, देखिए सिंगल सिंगल वेक्टर है। ठीक है, इस तरह का सिंगल वेक्टर है, तो हम जो बाहर का वेक्टर है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हम डिलीट करवा देते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ अंदर के वेक्टर की ज़रूरत है। अभी ये डिज़ाइन हमें देखना है, तो इसका मैं आपको दिखा दिखाऊँ। इस टाइप का वो डिज़ाइन है,
ठीक है, इस डिज़ाइन में 2.5D में हमें बनाना है। ये थोड़ा डिफरेंस लुक से बनाया गया है, हम थोड़ा डिफरेंट लुक से बनाएंगे अपने टूल के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर तो ऑलरेडी हमारे पास वेक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग जाएंगे टूल पाथ में। देखिए, ये डिज़ाइन का टूल पाथ बनाने के लिए हमें 2D टूल पाथ ही बनाना पड़ता है। यहाँ पे जो है प्रोफाइल टूल पाथ, जिसको हम 2D टूल पाथ बोलते हैं, इसका ही इस्तेमाल होता है, स्पेशल उसके लिए कुछ लॉजिक नहीं है। ठीक है, यही टूल पाथ को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अगर किसी के पास ArtCam 9 है, किसी के पास ArtCam 8 है, तो उसमें होगा अलोंग टूल पाथ, मशीनिंग अलोंग टूल पाथ, क्योंकि ये जो वर्क होगा इसके ऊपर लाइन के ऊपर काम होने वाला है, सब चीज़ें लाइन पे काम होने वाला है। ठीक है, तो लाइन पे काम होने वाला है तो हम लोग अलोंग पे काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शन है आपको, आउटर, इनसाइड और अलोंग, तो हम अलोंग सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्टेड वेक्टर रहने देंगे, क्योंकि हम जो वेक्टर सिलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे सब इंचेस में आ रहा है, इंचेस में इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारा मॉडल इंचेस में था। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और मॉडल को MM करवा लेता हूँ पहले, MM। ओके, इस तरह का मॉडल MM हो गया। फिर से मैं यहाँ पे 2D टूल पाथ में जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ अलोंग टूल पाथ। अलोंग टूल पाथ के बाद फिनिशिंग डेप्थ, अभी हमें फिनिशिंग डेप्थ कितना देना है डिपेंड करता है आपके टूल के ऊपर कि टूल का फिनिशिंग डेप्थ कितना जाएगा। तो उसका फिनिशिंग डेप्थ कैसे मापा जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा इसको बंद करवा देता हूँ, ये टूल का जो है वो टूल निकालता हूँ आपको। ये देखिए ये टूल है, ठीक है। अभी इसका मैं थोड़ा सा आपको डायमेंशन थोड़ा सा बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एडिट कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो टूल बना हुआ है, टूल को यहाँ से लेकर यहाँ तक टूल का डायमीटर मापा जाएगा, और यहाँ से जो ये है, यहाँ से ये इतना कटिंग लेंथ मापा जाएगा कि इसकी कटिंग लेंथ कितनी है। कि समझ लो ये जो टूल है, ये टूल आपका बना हुआ है 20 mm का, टूल 20 mm का है, ठीक है। तो इसका जो ये कटिंग डाया जो है, ये हाफ कटिंग जो है, और इसका कटिंग डेप्थ है, ये आपको सिर्फ मिलेगा 10 mm, ठीक है। 10 mm से भी कम मिल सकता है, ठीक है। कोई कोई अगर 19 mm का टूल लेते हैं तो आपको 9 mm ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो वो बहुत देखना ज़रूरी है कि आप कितना mm का टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका जो कटिंग है वो हाफ राउंड जो है कि वो कितना mm का है। अभी हाफ राउंड यहाँ से भी हम लोग करेंगे तो ये 10 mm का आएगा, तो कभी कभार 8 9 mm का आता है। लेकिन जहाँ से भी आप टूल खरीदते हो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन होता है उसके ऊपर, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही हमने ये वाला जो दूसरा वाला टूल लिया, इसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये ब्लैक कलर में टूल है तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से उसका डाया है, तो डाया पकड़ के चलते हैं 19 mm, मैंने उसमें 20 mm बताया था, इसमें पकड़ते हैं 19 mm, ठीक है। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया कटिंग डेप्थ। अगर ये कटिंग डेप्थ से ज़्यादा अगर टूल नीचे जाता है तो आपके डिज़ाइन में लाइनिंग आएगी, यहाँ पे ज़्यादा चला गया तो डिज़ाइन पे लाइनिंग आएगी। तो ये कितना हाइट है उतना है हमें रखना है। तो 19 mm को आपको मिल सकता है सिर्फ 9 mm, ज़्यादा नहीं मिलेगा। 9 mm मेन होनी चाहिए कि जो 19 mm का अगर टूल है तो ये इसका जो डेप्थ है वो 9 mm आएगा आपको। और ये जो होता है इसका जो शांक होता है, ये मार्केट में 8 mm मिलता है, 8 mm टू 12 mm, 8 mm टू 12 mm का आपको शैंक मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ArtCam में कैसे ऐड करते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, इसका कुछ काम नहीं है अपने को। इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और मैं ArtCam को ओपन करता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग टूल सिलेक्ट करेंगे। टूल सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोफाइलिंग टूल में जाएंगे, और प्रोफाइल में टूल में जाने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे वुड और प्लास्टिक के टूल हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है। जैसे हम नीचे आते हैं यहाँ पे है राइस पैनल टूल, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं। राइस पैनल टूल में जब भी हम जाते हैं नीचे, और यहाँ पे आपको ये जो विनिंग टूल दिखते हैं यही वो टूल है, उसको OB टूल बोलते हैं, ठीक है। यह टूल यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये 14 mm का टूल है तो हमें दूसरा टूल बनाना पड़ेगा। अब बाय सपोज हमारे पास 19 mm का टूल है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करवा लेंगे। कॉपी करवाने के बाद इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एडिट करवा देंगे। तो एडिट करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे 19 mm। ओके, 19 mm का टूल हो गया। इसको ये देखो,
राउंड होर टूल, मैंने टूल ऑफ टाइप आपको बोला था, राउंड होर टूल है उसको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन ये टूल को राउंड होर टूल बोला जाता है, ठीक है। टूल हमने दे दिया, अभी टूल पूछेगा ये टूल का डायमीटर कितना है, तो हम लोग डायमीटर बोलेंगे उसको 19 mm, ठीक है, 19 mm का डायमीटर। अभी आर्च रिड्यूस कितना आएगा उसका, अभी आप 19 mm का आधा करवा लो, तो 19 mm का आधा कितना हो गया, 9.5, ठीक है। तो इसको हम लोग डालते हैं यहाँ पे 9.5। जैसे ही हमने यहाँ पे 9.5 डाल दिया, यहाँ पे देखो शार्प कॉर्नर नज़र आ रहा है। अगर हम ये थिकनेस 9 mm करते हैं, तो यहीं पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वो गैप बना रहा है, ठीक है। तो इसको इनर डायमीटर भी यहाँ पे 1 mm आ गया। अगर हम लोग ऐड करते हैं इसको, तो इनर डायमीटर 8 mm बन गया, लेकिन हमें इनर डायमीटर 0 चाहिए। तो 0 जैसे ही इनर डायमीटर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इसको 9.5 करना चाहिए, ठीक है, और इसको इनर डायमीटर 0, इस टाइप का टूल बन जाएगा। अभी इसका स्टेप डाउन कितना मिलेगा, स्टेप डाउन हमें मिलेगा 9 mm, ठीक है, 9 mm पकड़ रहा हूँ, मेरे टूल में 9 mm मिलेगा, ओके। तो इसका रिलेटिव ऑफसेट हमें कुछ देना नहीं है, ये रिलेटिव इनर डायमीटर कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे स्पिंडल स्पीड है, स्पिंडल स्पीड नॉर्मली हमारा जो होता है वो 15,000 होता है, मशीन का स्पिंडल स्पीड 15,000 देता हूँ। फीड रेट 100 करवा देता हूँ, और यहाँ पे प्लंज रेट 50 करवा देता हूँ, ठीक है, 50 करवा दिया। और ये जो स्टेप ओवर है, क्योंकि स्टेप ओवर का इसमें अंदर काम ही नहीं है, हम अलोंग वेक्टर पे चलाने वाले हैं, तो इसलिए स्टेप ओवर का इसका काम नहीं, लेकिन ये डिफॉल्ट उन्होंने 36% दिया हुआ है, तो उसको ऐसे ही रखते हैं हम लोग, ओके करवा देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए 19 mm का टूल आ गया, हम उसको सिलेक्ट करते हैं। 19 mm का टूल हमने सिलेक्ट कर दिया, जैसे ही टूल की सेटिंग ओपन करती है, तो ऑलरेडी हमने उधर सेटिंग की थी सेव, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेटिंग में आ गए हम लोग, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना हमें, मटेरियल सेप जो है, मटेरियल सेप को हम लोग 20 mm कर देते हैं, और जेड को मैं करवा देता हूँ 30। जेड जेड होमिंग क्या होता है, प्रोग्राम खत्म होने के बाद मटेरियल से कितना ऊपर आपकी स्पिंडल रुकनी चाहिए, ये होता है जेड होमिंग, ठीक है, जेड होम। और सेप जो होता है, जेड सेप जो होता है, अगर एक पार्ट पे वर्क खत्म हो गया, समझ लो यहाँ पे काम खत्म करवा दिया और मशीन को जाना है यहाँ तक, तो मशीन जब भी कितना mm उठेगी, 20 mm ऊपर उठेगी और यहाँ तक पहुँचेगी। अगर ये यहाँ पे हमने 0 करवा दिया, तो मशीन घिसती हुई चली जाएगी टूल, तो मटेरियल को ख़राब कर देगा, इसलिए जेड सेप 20 mm हम लोग नॉर्मली देते हैं। तो इसकी जो मटेरियल की साइज थिकनेस है, हम लोग 2 इंच का मटेरियल पकड़ लेते हैं, 50 mm का मटेरियल पकड़ते हैं, डजंट मैटर, 50 mm का मटेरियल हमने पकड़ लिया, ठीक है। अभी ये सारे के सारे मैं वेक्टर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सारे के सारे वेक्टर हमने सिलेक्ट कर दिए, और यहाँ पे हमने अलोंग पे किया था, और इसको मैं अभी कैलकुलेट कर देता हूँ। देखिए ये कैलकुलेट हो गया, अभी कैलकुलेट होने के बाद इसका जो हम लोग सिमुलेशन है, उसका सिमुलेशन देख लेंगे 3D में जाके यहाँ पे, और यहाँ पे चले गए हम लोग सिमुलेशन टूल पाथ, ठीक है, इसको सिमुलेशन करते हैं, और इसको हम लोग कंट्रोल बार से चलाते हैं। तो देखो यहाँ पे फिनिशिंग कुछ भी नहीं दिखा रहा है, फिनिशिंग क्यों नहीं दिखा रहा है, इसका एक रीज़न है कि एक जगह पे हम लोग भूल गए, ये मैंने जानबूझ के भूला है, क्यों, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि फिनिशिंग डेप्थ डाले कहाँ। तो मैं इसको फिर से एडिटिंग करता हूँ, और यहाँ पे जो होती है फिनिशिंग डेप्थ, यहाँ पे हमें 9 mm करनी है, क्योंकि टूल जितना जाएगा उतना ही फिनिशिंग डेप्थ हमें देना है, ठीक है। तो फिर से मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, इस तरह से कैलकुलेट हो गया, और इसको सिमुलेशन टूल बार करता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए टूल इस तरह से 2.5D डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देगा। देखिए तो ये डिज़ाइन बनने के लिए लगभग, अगर आप मशीन पे बनाने जाते हो, तो आधा घंटे का टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट, ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है। तो अभी देखो ये भी जो लाइन बन रही है, लाइन बनने के बाद ये फिनिशिंग करवा रहा है। अभी ये फिनिशिंग जैसे ही होगा, इसकी टूल पाथ जैसे ही क्रिएट हो जाएगी, ये मटेरियल फिनिश करेगा, जो अंदर का एरिया है अननेसेसरी, वो भी हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो वो एरिया हम लोग एरिया क्लीन टूल पाथ से हम लोग उसको क्लीन कर देंगे, ठीक है। पहले इसको मैं फास्ट करवा लेता हूँ, इसमें कोई ये नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट करके जल्दी ख़त्म करवा लेता हूँ। ओके देखिए इस टाइप का डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी क्रिएट डिज़ाइन हो गया, तो देखिए जितना हमने डेप लिया उसके हिसाब से डेप्थ बन गया।
अगर हम लोग मिलीमीटर लेते हो और यहाँ से मापते हैं, यहाँ पे अगर देखते हो आप लोग, देखिए इसका डिस्टेंस जो था ये 13 mm का डिस्टेंस मिला है हमें। ओके, 13 mm का डिस्टेंस मिला है यहाँ पे, ठीक है। डेप्थ हमने 9 mm डेप्थ दिया था, 9 mm के हिसाब से कितना डेप्थ बनता है उतना डेप्थ इसने बनवाया था, ठीक है। अभी हम लोग टूल का जो यहाँ पे एडिट करते हैं, टूल की जो डेप्थ थी वो हमने 9.5 दी थी, ठीक है, सेटिंग के टाइम में। तो अभी हमने यहाँ पे इसको 9 करवा दिया, तो इसको हम लोग 9.5 भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9.5 करेंगे तो और भी डिज़ाइन नीचे तक राउंड होगा, तो कैलकुलेट करवा लेते हैं और इसको हम लोग ऑल टूल पाथ सिमुलेशन करवा लेते हैं। ओके, जैसे ही हमने परफेक्ट उसका 9.5 का डेप्थ दिया उसको, तो देखिए राउंड जो थे वो एकदम परफेक्टली राउंड यहाँ पे बन गए। अभी परफेक्टली राउंड जैसे ही बन गए ना, अगर हम इसको मापना चाहते हैं यहाँ से लगभग, देखिए यहाँ से हम लोग मापते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो लगभग 19 mm तक जा रहा है, ठीक है। तो मतलब इसकी जो डेप्थ थी 9.5 एकदम परफेक्ट थी। हमने 9 दिया, थोड़ा सा ऊपर रह किया, उसके बाद में हम लोग उसको 9.5 करवा दिया, ये परफेक्टली डेप्थ बन गया। अभी देखिए, अभी ये बनने के बाद क्या है ना, अभी यहाँ में हमें एरिया क्लीन चाहिए, ये अननेसेसरी एरिया है, ठीक है, ये वाला अननेसेसरी है। मैं वेक्टर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको टूल पाथ को थोड़ा बंद कर लेता हूँ, मुझे वेक्टर तो मिल जाएंगे। ये देखिए ये जो वेक्टर है ये अननेसेसरी वेक्टर है, ठीक है। तो ये जो एरिया क्लीन है, ये एरिया क्लीन करेंगे तो डिज़ाइन और भी खूबसूरत दिखेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इनको सिलेक्ट करता हूँ, इनसाइड तो यहाँ पे सिलेक्ट है, ये अंदर का भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करवा लेता हूँ ये वाला, ठीक है, 1 सेकेंड रुकिए। ओके, इसको भी मैं यहाँ पे, ओके इसको नहीं है, ये सिर्फ आउटर है। ओके, इसको आउटर को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ओके, इतने को हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में ये जो है इसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं आउटर वाले को, और ये जो सर्कल है इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे प्रोफाइल में, प्रोफाइल में जाने के बाद हम लोग 2D प्रोफाइलिंग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 2D प्रोफाइल में जैसे ही जाते हैं हम लोग यहाँ पे जाएंगे, सॉरी एरिया क्लीन टूल पाथ में एरिया क्लीन करना है, सिलेक्टेड वेक्टर पे काम करेंगे। फिनिशिंग डेप्थ हमने कितना रखा था, 9.5 रखना है, जो लास्ट में हमने रखा था। और यहाँ पे आप जो फिनिशिंग टूल है वो कोई भी टूल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 6 mm का एंड मिल, ठीक है। 6 mm का एंड मिल सिलेक्ट कर दिया, उसकी जो स्टेप ओवर है वो स्टेप ओवर मैं 2.4 mm रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप डाउन उसकी 1 टाइम में फिनिश करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 9.5 करवा देते हैं, ठीक है। और ये रेस्टर फिनिशिंग में चलेगा, और इसको यहाँ पे जो सिलेक्टेड वेक्टर हैं, ठीक है, और इसको मैं कैलकुलेट करवा देता हूँ। जैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे देखिए एरिया क्लीन टूल पाथ यहाँ पे जनरेट हो गया, और ये मैं इसको भी कैलकुलेट कर देता हूँ। ओके, इस तरह का ये कैलकुलेट होता रहेगा। ये देखिए ये जो अंदर का एरिया है, अननेसेसरी एरिया, जो मटेरियल हमें नहीं चाहिए वो ये टूल पाथ, एरिया क्लीन टूल पाथ अपने को क्लीन कर देगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी, अभी देखिए कुछ कुछ जगह पे कॉर्नर पे ना टूल नहीं पहुँचेगा, तो वहाँ उतना एरिया क्लीन नहीं होगा। तो उसके बाद में अगर आप उसको क्लीन करना चाहते हैं हो, तो एरिया क्लीन में और एक टूल ऐड करके उसको भी क्लीन करवा सकते हैं आप, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करवा देता हूँ तो थोड़ा जल्दी हो जाए। ओके ओके, ये हो गया, अभी ये क्लीन हो गया। तो देखो यहाँ पे एक गलती हो गया, यहाँ पे जो फ्लावर थे ये भी डिलीट हो गए, क्योंकि हमने फ्लावर के वेक्टर भी सिलेक्ट नहीं किए थे। तो हम क्या करेंगे, ये टूल पाथ को मैं डिलीट करवा देता हूँ, एडिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो टूल पाथ है, मैं इस टूल पाथ को, एक मिनट, एडिट कर देता हूँ टूल पाथ को, एडिट टूल पाथ, ठीक है। तो ये जो वेक्टर थे ये वाले वेक्टर, इनको भी मैं सिलेक्ट करवा लेता हूँ। ओके, सॉरी, ये बाहर का सिलेक्ट करना चाहिए, सब बाहर का चाहिए, आउटर लाइन चाहिए हमें, इनसाइड लाइन नहीं चाहिए, बाहर का लाइन। ओके ओके ओके, देन मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। ओके, देन इस हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा। अभी मैं सिमुलेशन आपको पूरा डिलीट करके, डिलीट और सिमुलेशन ऑल टूल पाथ 1 टाइम में दिखा देता हूँ, सिमुलेशन ऑल टूल पाथ। ओके,
इस टाइप का डिज़ाइन आपका 2.5D अगर आप टूलपाथ बनाते हो तो इस टाइप का डिज़ाइन आपका क्रिएट हो जाएगा बिटवीन 45 to 2 आवर। इसको लगेंगे डिज़ाइन के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन लुक लाइक अ 3D दिखेगा। ठीक है, तो इसकी प्रोग्रामिंग बनाने तो इजी है, लेकिन उसका टूल जब भी मिलता है आपको, टूल के पैरामीटर के हिसाब से, जो टूल होते हैं इसके, ये जो टूल होते हैं इसके टूल के पैरामीटर के हिसाब से अगर प्रोग्रामिंग आप करते हो तो परफेक्टली बनता है। क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट होती है, एक तो पैरामीटर के, टूल के पैरामीटर के हिसाब से टूल पाथ बनाना है, और दूसरा डिज़ाइन को देख के आपको कौन सा टूल लगेगा वो इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखते हैं मेरा माउस, अगर देखते हैं आप यहाँ पे, यहाँ पे आप चाहे तो बड़ा वाला टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे बड़ा वाला टूल सुटेबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा वाला टूल सुटेबल नहीं रहेगा। ये जो मेरा माउस है, यहाँ पे बड़ा वाला टूल सुटेबल नहीं रहेगा, यहाँ पे बड़ा वाला टूल सुटेबल नहीं रहेगा, यहाँ पे बड़ा वाला टूल सुटेबल नहीं रहेगा। ठीक है, जहाँ पे जितना एमएम का टूल सुटेबल रहेगा उतना एमएम का टूल आप इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी जगह पे अगर टूल सुटेबल नहीं है तो उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप नॉर्मली 19 mm का जो टूल होता है, 19 mm का मार्केट में ज़्यादा चलता है, 19 mm टू 25 mm का, 22 mm का, ये टूल ही 2.5D डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको 2.5D डिज़ाइन का प्रोग्रामिंग आर्ट कैड में कैसे बनाते हैं ये समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी ये जो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आर्ट कैम के ट्यूटोरियल अगर आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।